हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी अभी एक नया लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। और उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर से संबंधित जो भी नया अपडेट होगा वो सबसे पहले मैं आप तक लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विद्युत विभाग भर्ती टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी में कम नंबर वालों को मिलेगा मौका, क्या वेटिंग लिस्ट होगी जारी, इससे संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये अभी अभी लगभग 33 मिनट पहले आरजी गुप्ता साहब को ट्वीट किया है। इसमें इन्होंने लिखा है, सर मेरी ओर भी ध्यान दो एक बार, क्या वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी? बस केवल इतना ही बता दो सर, क्योंकि सर कई लोगों का तो ऑलरेडी डीएमआरसी और रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, और इससे भी तो सर वो इसको ज्वाइन नहीं लेंगे तो सीटें तो खाली रह जाएंगी। इसलिए सर जिनके कम नंबर हैं तो उनको यह मौका मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आरजी गुप्ता साहब जी से इन्होंने क्योंकि बात कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर की दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में अभी डीएमआरसी ने अपनी फाइनल लिस्ट जब जारी की थी तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन डीएमआरसी में हो चुका है। और रेलवे में भी जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेक्नीशियन और लोको पायलट के जो पहला लिस्ट जो जारी हुआ था सिलेक्टेड कैंडिडेट का, वो आ चुकी है, जिसके कारण कुछ ऐसे लड़के होंगे जो सिलेक्शन हो चुके हैं, अभी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, तो वो इनको ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तब तक वो इस जॉब में नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि एग्ज़ाम होने के बाद उनका फाइनल जो है रिज़ल्ट आ चुका है और वो कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इसके बारे में इन्होंने सर से क्वेश्चन किया है कि सर अब वो उन्होंने जिनका सिलेक्शन हो गया और ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो अब ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, ऐसे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो सीटें खाली रह जाएंगी। यानी कि इनका सीधा सीधा मतलब है कि अब वो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे उन सीटों को भरने के लिए, क्योंकि कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। तो इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो और इससे उम्मीद भी बंधी है उन साथियों को, अगर ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा जिनके कम नंबर हैं, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट जारी है तो ऐसा सब हो पाएगा। तो इसके जवाब में आरजी गुप्ता साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया है, विल रिप्लाई टुमारो, कि मैं कल इसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आरजी गुप्ता साहब कल इसका रिप्लाई देंगे। तो सभी कैंडिडेट जिनके कम नंबर हैं या जिनको लगता है कि हम 1 या 2 नंबर से या 3 नंबर से इस एग्ज़ाम में रह सकते हैं, या उनके नंबर कम आए हैं जो फाइनल लिस्ट में नहीं है, तो दोस्तों उनके लिए कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ होगी अगर इस पर निर्णय ले लिया जाता है और डिस्कॉम्स हैं अगर वो वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो ये गुड न्यूज़ होंगी, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या अन्य कई कारण जैसे डॉक्यूमेंट की कमी वजह से बाकी जो शेष बच्चे साथी हैं उनको मौका मिल सकता है दोस्तों। तो ये सब जो बातें हैं दोस्तों, अभी कल ही फाइनल हो पाएंगी, क्योंकि आरजी गुप्ता साहब कल इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ दोस्तों। समय समय पर मैं आपके पास जो भी अपडेट होगा वो लाता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।